हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट पार्ट टू के बारे में, जिसका हमारा मेन टॉपिक है बॉक्स कंपाउंड। तो बॉक्स कंपाउंड सबसे पहले क्या होते हैं? तो जो हमने कैल्सेरियस कंपाउंड और आर्गिलेसियस कंपाउंड हमने लास्ट में पढ़े थे, जिसमें लाइम सिलिका ये सब देखा था हमने, जब इन दोनों को हम फ्यूज करते हैं टुगेदर तो जो कंपाउंड हमारे फॉर्म होते हैं उन्हें बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो हो गया बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं। बट बॉक्स कंपाउंड ने बोला क्यों जाता है, क्योंकि बॉक्स साहब ने इसको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को नोटिस किया था, इस वजह से इनका नाम उन्हीं के कंपाउंड का नाम उनके ऊपर ही है, तो इसलिए बुक्स कंपाउंड कहा जाता है। तो एक बार और हम देख लेते हैं क्या होते हैं बुक्स कंपाउंड। जब आर्गिलेसियस कंपाउंड और कैल्सेरियस कंपाउंड को हम चूज करते हैं, कैल्सेरियस कंपाउंड और जो हमारा आर्गिलेसियस कंपाउंड होता है, जब इनको हम फ्यूज करते हैं टुगेदर तो जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारे सीमेंट में निकल के आती है, उन्हीं को बॉक्स कंपाउंड कहते हैं। ये आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये जो कंपाउंड है हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। अभी अगर हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं सीमेंट की, तो मतलब सीमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा इन कंपाउंड्स पर डिपेंड करता है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। तो बॉक्स कंपाउंड में हमारा सबसे पहला कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा C3A, क्योंकि 3 मोल हमारे लाइम के हैं। बॉक्स कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसमें कि 3 मोल हमारे लाइम के हैं और 1 मोल हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। तो 3 मोल हमारे लाइम के हैं C3A। बॉक्स कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसमें हम बात करते हैं, अगर इसको एब्रिविएशन से शो करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है C3A। C3A से भी इसको बोला जाता है। वहीं पे इसका दूसरा नाम है सेलाइट, हम सेलाइट के नाम से भी बोलते हैं। वहीं पर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो बेसिकली 3 मोल हमारे किसके लाइम के हैं, क्योंकि ट्राई कैल्शियम है तो 3 मोल हमारे लाइम के हैं और 1 मोल हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, Al2O3। तो ये हमारा उसका केमिकल फॉर्मूला है, 3 मोल हमारे लाइम के और 1 मोल हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। वहीं पर अगर इसको देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है C3, और इसी फॉर्म से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इसका दूसरा नाम है सेलाइट। तो 3 मोल हमारे लाइम के, 1 मोल हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो जैसे ही जब हम इसमें क्या होता है कि वाटर को मिक्स करते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। सबसे पहले हमारी रिएक्शन ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये जैसे ही हम वाटर को मिक्स करते हैं तो ये मतलब 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में ये हाइड्रेशन प्रोसेस को शो करने लगता है। तो इट अंडरगोज तो जो हमारी वाटर के संग रिएक्शन है उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स, मतलब इतनी जल्दी रिएक्ट करने लगता है, विद इन 24 आवर्स ये हाइड्रेशन के प्रोसेस में चला जाता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि हमें जब ये वाटर के संग रिएक्शन शो करने लगेगा, जल्दी जल्दी शो करने लगेगा 24 आवर्स, तो हमें सीमेंट के संग काम करने का मौका नहीं मिलेगा 24 आवर्स। इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स आफ्टर एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करते ही, आफ्टर एडिंग वाटर, वाटर को ऐड करते हैं ये हाइड्रेशन प्रोसेस में चला जाता है विद इन 24 आवर्स। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं वाटर को ऐड किया तो हमें टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि तो यहीं पे हमने देखा कि अगर वाटर को ऐड करते तो हाइड्रेशन प्रोसेस में चला जाता है विद इन 24 आवर्स। इसी वजह से ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। तो हमने देखा था कि फ्लैश सेटिंग, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब नेचर पढ़ा था। तो बेसिकली अगर एल्यूमिना प्रेजेंट होगा तो वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्विक सेटिंग के लिए। तो ये बेसिकली इसी वजह से है कि अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट होगा तो एल्यूमिना, मतलब उसमें भी एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना बेसिकली फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग को रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। अगर हम बात करते हैं फ्लैश सेटिंग की, तो फ्लैश सेटिंग को हम इमीडिएट सेटिंग और इंस्टेंटेनियस सेटिंग भी बोलते हैं। अगर कहीं से वर्ड आ जाता है कि फ्लैश सेटिंग या फिर इमीडिएट सेटिंग या फिर इंस्टेंट सेटिंग भी बोला है, तो एक ही बात है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग हो गई मतलब जल्दी सेटिंग होने लगेगी, तो क्या होगा, हमें टाइम नहीं बचेगा सीमेंट के संग काम करने का। सीमेंट के संग हम क्या काम करते हैं, जैसे प्लेसिंग हो गई, फिर उसको एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना हो गया, क्यूरिंग करनी होगी, मतलब पूरी जो हम मिक्स करने से लेके पूरा ट्रांसपोर्ट प्लेस क्यूरिंग तक जो पूरी प्रोसेस है उसी को हम बोलेंगे कि हमें उसको उसके संग काम करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा अगर जल्दी सेटिंग होने लगे। वहीं पर अगर एक और पॉइंट की बात करें, इसकी एक और प्रॉपर्टी को देखें, तो जब हाइड्रेशन प्रोसेस होने लगती है तो क्या होता है, इसमें मैक्सिमम हीट इवॉल्व होने लगती है। मतलब इसमें क्या है कि मैक्सिमम हीट जो है हीट इवॉल्व मैक्सिमम
मैक्सिमम हीट इवॉल्व होने लगती है। अब देखो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने सीमेंट के क्लिंकर्स थे उसमें वाटर डाला कि हाइड्रेशन प्रॉपर हो सके, मिक्सिंग हो सके, हम उसमें अच्छे से काम कर सके और जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है वो उसे अटेन कर सकते हो। लेकिन जब सीमेंट के क्लिंकर्स में हमने वाटर को डाला, जब हमने वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स डाले मतलब वाटर को डाला, तो अब क्या होगा, हीट इवॉल्व होने लगी। हीट इवॉल्व होने लगी मतलब ये कौन सी तरीके की रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमारी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। अब क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे वेपराइजेशन प्रोसेस होने लगेगी और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हीट इवॉल्व होगी तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पीछे क्या छूट गए, यहाँ पर पीछे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएंगे, फिर वॉइड क्रिएट हो जाएगा। वॉइड क्रिएट हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ होने चाहिए थे, वॉइड क्रिएट हो गए। वॉइड किसको लीड करता है, हमारे क्रैक्स को लीड करता है, क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे। और क्रैक्स फॉर्म हो जाएगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेलियर की तरफ जाने लगेगा, मतलब उसमें फेलियर शो होने लगेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि सीमेंट क्लिंकर्स में हमने उसको अच्छी प्रॉपर्टी को अटेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया था, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, बट ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो C3 है, ये मैक्सिमम हीट इवॉल्व करने लगता है। मैक्सिमम हीट इवॉल्व करने लगा मतलब क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेंगे क्योंकि वेपराइजेशन प्रोसेस होने लगी। तो जहां पे वाटर प्रेजेंट होना चाहिए था वहां पर अब कुछ नहीं है, मतलब वॉइड फॉर्म होने लगे। वॉइड फॉर्म हुआ मतलब क्या है कि वो क्रैक्स को लीड करने लगेंगे, और क्रैक्स को लीड करेंगे मतलब क्या है कि फेलियर होने लगेगा, हमारा स्ट्रक्चर हमारा फेलियर को शो करने लगेगा। नहीं पे मैं एक और पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जो बेसिकली हमारा C3A है, C3A बेसिकली क्या करता है, अगर C3A प्रेजेंट है मतलब जो अगर हमारा सल्फर है, जिसमें हमने देखा था सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस प्रोसेस होती है, तो अगर सल्फर हमारा अटैक कर रहा है किस पे, हमारे सीमेंट पे हमारा अगर सल्फर अटैक करता है तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम होगी कि जो हमारा सीमेंट है उस पर सल्फर ने अटैक किया तो ये जो जो सीमेंट की प्रोसेस होनी चाहिए इसको, ये हमारे सीमेंट को खराब करता है। तो सीमेंट का क्या होगा, रेजिस्टेंस शो करता है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है रेजिस्टेंस। जो भी रिड्यूस जो रेजिस्टेंस है, रिड्यूस इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है किसके टूवर्ड्स, टूवर्ड्स अगेंस्ट द सल्फर। तो रिड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर के अगेंस्ट जो हमारी रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो उसको रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब क्या, सल्फर इजिली अटैक कर सकेगा, इजिली अटैक कर सकेगा, तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम देखनी पड़ती है सल्फर की वजह से, अनसाउंडनेस देखना पड़ता था। अनसाउंडनेस में बेसिकली क्या होता था, वॉल्यूम का चेंज होता था। C3A का एक और प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि जब C3A प्रेजेंट होगा तो वो सल्फर का जो रेजिस्टेंस है, सल्फर के टूवर्ड्स जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने एक चीज देखी, अगर हम बात करते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, तो बेसिकली हमने देखा कि ये एक तरीके से क्या है, एक हार्मफुल कंपोनेंट है। हार्मफुल कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक तो आपने देखा कि हाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, विद इन वाटर को मिलाते 24 आवर्स में हाइड्रेशन होने लगती है। उसके बाद क्या, ये फ्लैश सेटिंग या इंटरमीडिएट सेटिंग या फिर इंस्टेंट सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वेल अगर हम देखते हैं तो क्या है, मैक्सिमम हीट इवॉल्व करता है, वैसे क्या है, वाटर वेपराइज हो जाते हैं और वहां पे वॉइड्स छूट जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं C3A की, तो बेसिकली इसमें क्या है, किस तरीके की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है, तो अगर हम C3A की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें C3A रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मफुल प्रॉपर्टी, ये अगर इसकी बात करते हैं तो C3A इज अ हार्मफुल। अगर पूछता है कोई क्वेश्चन MCQ, इस पे फॉर्म हो सकता है कि कौन है हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट बॉक्स कंपाउंड, सारे बॉक्स कंपाउंड में जो हमारा सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट है सीमेंट का वो कौन है, ऑफ सीमेंट अगर हम सीमेंट के हार्मफुल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो कौन है, तो वो है हमारा C3A। तो C3A की हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली है। नेक्स्ट बोक कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट बोक कंपाउंड है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 मोल हमारे लाइम के हैं और एक हमारा एल्यूमिना का और एक हमारा फेराइट आयरन ऑक्साइड का, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी को हम फेलाइट भी बोलते हैं, इसको हम फेलाइट भी बोलते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, 4 मोल हमारे लाइम के हो गए, वहीं पर 1 मोल हमारा हो गया एल्यूमिना ऑक्साइड का, वेल एक हमारा आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। तो अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें, ये हमारा कितना परसेंट में वेराई करता है, तो ये 10 से 18% डिपेंड करता है। तो 10 से 18% तक हमारा बेसिकली ये वेराई करता है। वहीं पे एक बार मेरे को देख लेना है कि C3A में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हाँ, तो C3A का जो परसेंटेज है वो हमारा 4 to 12% तक वेरी करता है, 4 to 12% तक वेरी करता है। और यहाँ पे C4AF हमारा, इसको C4AF बोल लो या फिर फेलाइट बोल लो, तो ये जो है हमारा ये 10 से 18% में वेराई करता है। जिस तरीके से हमारा C3A वाटर वाटर के संग हाइड्रेशन में क्विक हाइड्रेशन या फिर फ्लैश सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था, इन द सिमिलर वे जैसे हम इसमें वाटर डालते हैं तो ये भी जल्दी रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रेशन की प्रोसेस इसमें जल्दी हो जाती है और ये भी रेस्पॉन्सिबल है हमारा फ्लैश सेटिंग के लिए। सो इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर
इसकी बात करें तो ये भी हमारा फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैश सेटिंग को हम इमीडिएट या फिर इंस्टेंट सेटिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम यही पे बात करते हैं तो नोट लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम बात करते हैं कि भाई दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, C3A भी देख लिया हमने, C4A भी देख लिया, दोनों वाटर के संग जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं भाई, दोनों को कह रहे हैं फ्लैश सेटिंग करते हैं, तो इनमें भी सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? अगर हम इनमें भी रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाए, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाए, जो भी वाटर के संग हमारी रिएक्शन होती है उसको टेक्निकली हम हाइड्रेशन बोलते हैं। रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें कि कौन पहले जल्दी हाइड्रेशन शो करता है, तो वो है हमारा C4AF। C4AF C3AF से भी पहले हाइड्रेशन शो करता है, तो C4AF विल बी मोर उसके रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा इन कंपेयर टू C3A। वहीं पे दोनों हमारा फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हमने लास्ट वाले में भी देखा था कि वो जो सल्फर की रिएक्शन है उसके प्रति जो है, सल्फर की जो रिएक्शन होती है उसके प्रति मतलब रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जो अटैक है सल्फर का उसके लिए जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है। ये भी रिड्यूस करता है कम, मतलब ये भी रेजिस्टेंस को कम कर देता है। अगर हम ये भी बात करते हैं कि ये क्या करता है, तो ऑल्सो रिड्यूसेस रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस तो ऑल्सो रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। सल्फर के अटैक पे अगर बात करी जाए तो इसके रेजिस्टेंस को कम कर देता है, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसको कम कर देता है। लेकिन अब हमने यहाँ देखा कि C3A भी कम करता है और C4AF भी कम करता है, तो पहले ज्यादा कम कौन करता है? तो अगर हम इसमें भी नोट लिखना चाहें तो नोट, अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन में हमने देख लिया कि नोट में पहले कौन करता है, मतलब किसका हाइड्रेशन पहले होता है, C4AF का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी सल्फर की तरफ रिएक्शन अटैक कौन कम करता है, तो सल्फर के लिए, जो सल्फर के लिए अटैक है उसको सबसे ज्यादा कम कौन करता है, तो वो है हमारा C3A। पहले मतलब C4AF से ज्यादा C3A। ऐसा क्यों है कि जो C3A है वो रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट को, जो सल्फर के अटैक है उसके रेजिस्टेंस को कम करता है इन कंपेयर टू C4AF? क्यों? क्योंकि जो C4AF है उसमें हमारा एक तो फेराइट प्रेजेंट है, मतलब जो हमारा आयरन प्रेजेंट है, आयरन की वजह से क्या होता है, Fe के वजह से क्या होता है, ये है ना लेस रिएक्शन शो करता है इन कंपेयर टू हमारा C3A के कंपेयर में। तो जो सल्फर है, आयरन शोज लेस रिएक्शन इन कंपेयर टू C3A। मतलब C3A में आयरन प्रेजेंट नहीं है और C4AF में आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू आयरन इट रिएक्ट लेस, ये लेस रिएक्ट करता है इन कंपेयर टू C3A। तो C3A के कंपेयर में ये लेस रिएक्ट करता है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं C3A की, अगर C3A ज्यादा होता तो क्या होता, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर, तो वॉइड क्रिएट हो रहे थे, सल्फर के तरफ उसकी रेजिस्टेंस भी कम कर दे रहा था, तो वो क्या था, एक हमारा हार्मफुल हार्मफुल प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रहा था, मतलब अगर हार्मफुल इंग्रीडियंट की बात करें तो C3A था। वहीं पर अगर हम C4AF की बात करें तो C4AF बेसिकली क्या करता है, C4AF शोज नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि अगर C3A ज्यादा है तो वो एक हार्मफुल कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका कोई ऐसा एज सच हमारे इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। बट हाँ, मतलब अगर हम सारे कंपोनेंट, अभी हमने दो कंपोनेंट देख लिए, दो कंपाउंड देख लिए बुक्स के, अभी दो और देखेंगे, तो अगर जिसमें इन सब में बात की जाए तो लाइम प्रेजेंट है, लाइम प्रेजेंट है, इस वजह से ये थोड़ी बहुत बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, बट इसकी सबसे लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। तो अगर बात की जाए कि जब ऐसा कौन सा बुक्स कंपाउंड है जिसका लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो C4AF हैज लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है या फिर सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी बोली जाए तो इसकी सबसे कम है, लीस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी है। मतलब अगर इसकी बात करें तो अगर ये ज्यादा है या कम है तो इसका कोई ऐसा एज सच इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन C3 अगर ज्यादा हो गया तो वो वॉइड्स को क्रिएट कर रहा था, मतलब उसमें वॉइड क्रैक्स आ जा रहे थे और वो हीट इवॉल्व कर रहा था और सल्फर की रेजिस्टेंस को भी कम कर दे रहा था, तो इसको नो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस बोला जाता है। वहीं पे अगर हम C3A की बात करें तो उसे हार्मफुल कंपोनेंट कंपाउंड की तरह उसको देखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लैश सेटिंग एंड फॉल्स सेटिंग। अगर हम बात करते हैं फ्लैश सेटिंग की, तो अभी मैंने बताया था, जैसे फ्लैश सेटिंग का मतलब और क्या हो सकता है कि इंस्टेंट सेटिंग, जैसे वाटर को मिलाना शुरू कर रहे हैं तो जो इंस्टेंट सेटिंग हमारी शो करने लगता है, एलिमिना इसका सबसे बड़ा रीजन है, या फिर इमीडिएट सेटिंग, ये सब कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सेटिंग होती है इसको हम बोलते हैं फ्लैश सेटिंग। इसमें क्या है, इंस्टेंट सेटिंग हो सकती है या फिर इमीडिएट सेटिंग, बट लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसके लिए, तो वो है एलिमिना। अगर हम बात करते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इट विल बी एलिमिना, एलिमिना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम फ्लैश सेटिंग की, सॉरी फॉल्स सेटिंग की बात करते हैं, तो फॉल्स सेटिंग का मतलब ही क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली क्या है कि झूठ मूठ की सेटिंग, मतलब जो झूठी सेटिंग होती है वो हमारी फॉल्स सेटिंग होती है। तो फॉल्स सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है जिप्सम।
अगर हम इसकी बात करते हैं फॉल सेटिंग की, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर जिप्सम का फॉर्मूला देखें तो बेसिकली इसी में सारे मैकेनिज्म लिखी है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ये जो वाटर होता है इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम जिप्सम की पूरी मैकेनिज्म समझे कि होता क्या है, तो अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, तो बेसिकली अब जिप्सम को हम मिलाते हैं। अब हम क्यों मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि क्यों मिलाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा सीमेंट का सीमेंट है, ये हमारे सीमेंट के क्लिंकर्स पार्टिकल है, सीमेंट के क्लिंकर्स है। अब इसमें क्या करते हैं, हमने जिप्सम एड ऑन किया, तो जिप्सम का हम एड ऑन पहली बात तो इसलिए किया जाता है कि अगर जिप्सम एड ऑन ना कर रहे हैं तो जो हमारा C3 और C4AF प्रेजेंट है हमारे में, वो इतनी जल्दी वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे कि हमें सीमेंट के संग काम करने का मिलेगा ही नहीं मौका। ये भी हमने देखा। तो इस तरीके से कि सेटिंग टाइम को हम रिड्यूस कर सके, तो हम किसको ऐड ऑन करते हैं, हम जिप्सम को ऐड ऑन करते हैं। मैं इस ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, तो हमने ये जिप्सम की जो लेयर है इसको बनाते हैं। जब हम जिप्सम को ऐड ऑन करते हैं तो बेसिकली सीमेंट क्लिंकर जिस टाइम पे मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं उसका टेम्परेचर होता है बहुत हाई, उस टाइम पे टेम्परेचर होता है बहुत हाई। तो जो ये जिप्सम है हमारा, उसका जो 2H2O वाटर हमारा क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है, वो क्या करता है, वो लॉस हो जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो वेपराइज हो जाता है। तो जो जिप्सम है ये क्या करता है, एक टेम्परेरी लेयर बना लेता है, टेम्परेरी लेयर बना लेता है। जिससे क्या होता है कि हम जब वाटर को जब हम वाटर को रिएक्ट जब वाटर इस पर हम थ्रो करते हैं, तो वाटर को ये डायरेक्टली सीमेंट के संग रिएक्ट करने नहीं देता है। इससे सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, जिप्सम रिएक्ट करता है। और जिस टेम्परेचर पे जब हम क्लिंकर्स को एड ऑन कर रहे थे, जब क्लिंकर्स हमारा मैन्युफैक्चर के टाइम पे एड ऑन किया था हमने जिप्सम को, उस टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जिप्सम अपना जो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा वाटर है, जो हमारे जिप्सम का ये वाला वाटर है, ये लूज हो जाता है। जब हम वाटर को एड ऑन करते हैं तो सबसे पहले जिप्सम अपना जो खोया हुआ पानी है, जो अपना उसका वाटर जो खो गया है, वो उसे पहले उसको गेन करता है, जो उसने वाटर अपना लॉस कर दिया था उसे अगेन रिगेन करता है। फिर क्या होता है कि हम जब वो रिगेन करता है, जिप्सम उसको रिगेन करता है, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि सीमेंट अपना हार्ड हो जाता है, सीमेंट हार्ड हो जाता है। तो क्या लगता है कि उसने अपनी सेटिंग टाइम को गेन कर लिया है और अब हम उसे उसके संग काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि ये फॉल्स सेटिंग है या प्रॉपर सेटिंग हो गई है, तो आप उसमें क्या करें और वाटर एड ऑन कर दें। अगर सीमेंट में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आगे शो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो जिप्सम ने वाटर रिगेन किया है, अभी सीमेंट के संग वाटर का रिएक्शन नहीं हुआ है। पर अगर कोई भी प्लास्टिसिटी शो नहीं होती है, इसका मतलब है कि सीमेंट अपना स्ट्रेंथ को मतलब अपनी सेटिंग टाइम को वो गेन कर चुका है। तो अभी हमने देखा कि फॉल्स सेटिंग क्या है, सेटिंग क्या है, जिप्सम की वजह से होती है, जिप की वजह से होती है क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और एक टेम्परेरी लेयर बना रहा है जो कि वाटर को रिएक्ट नहीं करने देता सीमेंट के साथ। लेकिन सबसे पहले जिप्सम उसके संग रिएक्ट करता है और जो उसने अपना वाटर का मॉलिक्यूल खोया था उसको वो रिगेन करता है। फिर क्या होता है कि अगर देखने में ऐसा लगता है कि सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी मतलब अपना प्लास्टिसिटी लूज कर दिया और उसने रिएक्शन कर ली है, तो आप वाटर को एड ऑन करके और देख सकते हो अगर फिर से प्लास्टिसिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जिप्सम ने अभी वाटर को रिगेन किया है। और अगर नहीं मतलब वो सेट हो गया बकायदा, तो सीमेंट के संग रिएक्शन हो गई है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म थे, फॉल सेटिंग हमारा जिप्सम की वजह से होता है और फ्लैश सेटिंग हमारा एल्यूमिना की वजह से होता है। नेक्स्ट बुक्स कंपाउंड की बात करें तो वो कंपाउंड है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की अगर बात करें तो इसका नाम है क्या, एलाइट। हम इससे एलाइट बोलते हैं, जैसे C4AF को देखा हमने, वो क्या बोला जाता है उसको हम बोलते हैं फेलाइट, और C3A को देखा था हमने, उसे बोलते हैं सेलाइट। तो इसका इसका अपन क्या है, एलाइट बोलते हैं इसको। अगर हम इसका एक और फॉर्मूला देखें जिसको एब्रिविएशन बोले या फिर इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो C3S, 3 मोल हमारे किसके हैं, 3 मोल हमारे किसके, लाइम के 3 मोल हैं। और हमारा सिलिका ऑक्साइड है, एक हमारा सिलिका ऑक्साइड का। तो अगर आपको इंग्रेडिएंट्स याद हो तो हमने देखा था लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसमें देखो एल्यूमिना नहीं है, इसका मतलब सेटिंग का कोई इशू नहीं होगा। तो बेसिकली ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि इसमें लाइम और सिलिका प्रेजेंट है। तो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला पॉइंट देखें तो ये हाइड्रेशन कितने कब कब तक हाइड्रेशन होता है, तो विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर या फिर 7 से 14 डेज के अंदर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या था, हमारा जो वाटर के संग रिएक्शन है उसको हम हाइड्रेशन बोलते थे। तो 7 से 14 डेज या फिर विद इन 1 और 2 वीक के अंदर इसमें हाइड्रेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये किस कौन से स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली अगर कोई हमारा कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, जैसे प्री फेब्रिकेटेड फॉर्म वर्क होता है या कोल्ड
कोल्ड प्लेस प्लेस पे हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोल्ड वर्किंग जो हमारी होती है, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। ऐसी जगह पे जहाँ पर हमें जल्दी से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है स्ट्रक्चर में, उन जगह पर हम C3S का कंपोनेंट ज्यादा कर देंगे। अगर इसी की परसेंटेज की बात करें तो ये 45 से 65% तक वेराई करता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है, किस तरीके का सीमेंट की हमें जरूरत है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टी की, तो जितने भी बॉक्स कंपाउंड है सब सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोवाइड करता है और कोई नहीं, सब में हमारा लाइम प्रेजेंट है तो सब हमारे सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी या फिर बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उनमें सबसे बेस्ट जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी या फिर सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी, अगर हम उनकी बात करें तो ये हमारा C3S है। तो एलाइट जो है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, वो सबसे अच्छी बेस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है हमारा सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे हार्मफुल कंपोनेंट कौन था हमारा, तो वो था हमारा सेलाइट जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था। और हमारा C4AF क्या है, हमारा लीस्ट सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था। वहीं पर अगर हम एक और पॉइंट देखें, अगर C3S में, तो एक और पॉइंट देखेंगे तो ये क्या है, ये जो फ्रॉस्ट एक्शन होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, सो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हम बात करते हैं C3S की, तो C3S बेसिकली किस तरीके से बाइंडिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, इस तरीके की मैकेनिज्म को हम देखते हैं। तो C3S जब वाटर के संग रिएक्ट करता है तो ये एक तरीके का जेल फॉर्म होता है, जैसे बोलते हैं टॉबर मोरोलाइट जेल, CSH जेल जैसे बोलते हैं हम, टॉबर मोरोलाइट जेल, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं टोबर मोरी लाइट जेल, टॉबर मोरी लाइट जेल। यही एक जेल है जो रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग के लिए, यही जेल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बाइंडिंग के लिए। तो ये वाली ये जो फॉर्म होता है, यही जो फॉर्म होता है मतलब सीमेंट में, ये बेसिकली बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके संग हमारी एक और चीज फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। लेकिन अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। हम बेसिकली देखते हैं कि अगर इसका एडवांटेजेस क्या है, अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, CaOH क्या है, ये पीएच को इंक्रीज कर देगा। अगर हम CaOH होल ट्वाइस की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा। अब पीएच इंक्रीज हो जाएगा मतलब हमारा जो पूरा जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। बेसिक नेचर हो जाएगा तो जब हम स्टील यूज करेंगे या फिर जो भी कोरोजन का लीड करता है, कोरोजन की जो प्रॉपर्टी है, जो कोरोजन होना चाहिए उसको वो रिड्यूस कर देगा, इस कोरोजन की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। वहीं पर अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या करता है, ये लीच आउट हो जाता है मतलब फ्लो हो जाता है, इसकी लीचिंग हो गई या फिर लीचिंग को क्या बोलेंगे, फ्लो आउट कर जाएगा। तो अगर कोई भी अपना जो जहाँ पर प्रेजेंट है वहां से फ्लो आउट हो गया तो वहां पे क्या लीड हो जाएगा, अभी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर हो जाएगा लीड वॉइड। और वॉइड किस चीज को रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो C3S वाटर के संग रिएक्ट करके क्या करता है, एक तो ये CHS जेल बनाता है, CSH जेल बनाता है, जैसे टॉबरमोलाइट जेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके संग ये CaOH का होल ट्वाइस भी फॉर्म करता है, जिस वजह इसका एडवांटेज क्या है कि बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो पीएच है उसको इंक्रीज कर देता है और ये बेसिक नेचर कॉज कर देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, तो ये बेसिकली फ्लो आउट कर देता है, लीच आउट हो जाता है। तो वहां पे जहां से ये चला गया वहां पे क्या होगा, हमारा वॉइड क्रिएट हो जाएंगे और जहां पे वॉइड क्रिएट हो जाएंगे वहां पर हमारा क्रैक डेवलप हो जाएगा, तो ये क्रैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे एक और पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो CaOH होल ट्वाइस क्या करता है, ये कुछ इंग्रेडिएंट जो होते हैं सीमेंट में उनके संग रिएक्ट करता है। अगर हम बात करें CaOH होल ट्वाइस की, तो हमने देखा कि CaOH होल ट्वाइस क्या करता है, एक तो ये बेसिक नेचर प्रोवाइड कर रहा है तो कोरोजन से बचा रहा है, वहीं लीच आउट करता है तो वॉइड, ये क्या करता है कुछ इंग्रेडिएंट है उनसे रिएक्ट करता है और सल्फर के संग अटैक, सल्फर से रिएक्ट करता है। और जब अगर ये सल्फर से रिएक्ट करेगा तो बेसिकली किस चीज को लीड करेगा, ये अनसाउंडनेस को लीड करता है। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हमारे सीमेंट की प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो CaOH का कुछ एडवांटेजेस भी है कि कोरोजन से बचाता है, वहीं पर हम देखें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। पहले अगर हम बात करते हैं C3S के ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, तो हमने एक और पॉइंट देखा था कि ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम फ्रॉस्ट एक्शन की बात करें, तो अगर फ्रॉस्ट एक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, तो पहली बात तो हमें फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब समझना पड़ेगा, फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है। तो फ्रॉस्ट एक्शन बेसिकली क्या है, जब हमारे जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर क्या हो जाता है कि पहले फ्रीज हो जाए फिर मेल्ट करता है। तो जो फ्रीज हो जाए मेल्ट हो जाए, फ्रीजिंग हो जाए फिर मेल्टिंग हो जाए, फ्रीजिंग मेल्टिंग जो होती रहती है, ये प्रोसेस जो चलती है इसी को हम फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। तो फ्रीजिंग मेल्टिंग होने के लिए सबसे पहली बात है कि मीडियम किस तरीके का होना चाहिए। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए पोरस, पोरस होना चाहिए और परमेबल होना चाहिए, मतलब मेल्ट होके बाहर चला जाए। तो पोरस होना चाहिए मतलब उसमें वॉइड्स होने चाहिए,
पोरस होना चाहिए और हमारा मीडियम कैसा होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, C3S किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम C3S की बात करें, C3S किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो C3S के जो पार्टिकल होते हैं ये इन कंपेयर टू और पार्टिकल ये स्मॉलर पार्टिकल होते हैं। ये कैसे पार्टिकल्स हैं, ये स्मॉलर पार्टिकल्स है। तो अब बेसिकली क्या है, जो हमारा मीडियम है वो क्या है, अगर हमने उसमें स्मॉलर पार्टिकल को इंसर्ट करा दिया, स्मॉलर पार्टिकल को इंसर्ट करा दिया, तो बेसिकली हमने उसकी कौन सी प्रॉपर्टी छीन ली, एक होता एक प्रॉपर्टी थी हमारी पोरस और एक प्रॉपर्टी थी हमारी परमिएबल। इन दोनों की वजह से हमारी फ्रॉस्ट एक्शन की प्रोसेस देखने को मिल रही थी कि फ्रीजिंग है, मतलब पोरस है इसका मतलब वाटर प्रेजेंट है, मतलब वाटर प्रेजेंट है तो जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वो फ्रीज होगा। पर फिर क्या है कि परमिएबल है, मतलब वो मेल्ट होकर बाहर आना चाहेगा। तो अगर मैंने स्मॉलर पार्टिकल को इंसर्ट करा लिया, तो इसका मतलब मैंने जो उसकी परमिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है इसको छीन लिया, इस प्रॉपर्टी को हमने छीन लिया और स्मॉलर पार्टिकल उसमें इंसर्ट करा दिया। तो अब क्या होगा कि ये वाली जो फ्रॉस्ट एक्शन है इसके अगेंस्ट हमने, मतलब अब ये प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाएगी, फ्रॉस्ट एक्शन के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से जो C3S है हमारा, इस तरीके से जो C3S है हमारा, वो हमारा बेसिकली प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। हमने फ्रॉस्ट एक्शन का पूरा प्रोसेस देख लिया, हमने बाइंडिंग किस तरीके से हो रही है, COH फुल ट्वाइस के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब देख लिया। पहले अगर हम नेक्स्ट बॉक्स कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें हमारा नेक्स्ट बॉक्स कंपाउंड है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम C2S के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम C2S के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है, इसको हम बेलाइट भी बोलते हैं, बेलाइट बोलते हैं। वहीं पर अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला क्या कहता है, 2 मोल हमारे लाइम के होंगे क्योंकि डाई कैल्शियम है, तो 2 मोल हमारे लाइम के होंगे और 1 मोल हमारा सिलिका ऑक्साइड का होगा। तो ये हमारा उसका कुछ केमिकल फॉर्मूला टाइप्स है। और वहीं पर अगर इसके परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये 15 से 35% के बीच में वेराई करता है, तो 15 से 35% के बीच में इसका परसेंटेज वेराई करता है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, अब देखो इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी लाइम प्रेजेंट है और इसमें भी सिलिका प्रेजेंट है, तो ये भी स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। जिस तरीके से हमने C3A को देखा, सॉरी C3S को देखा था, C3S क्या था, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा था विद इन 7 to 14 days, विद इन 1 week और विद इन 2 week वो हाइड्रेशन प्रोसेस को कर ले रहा था। वहीं पर अगर इसकी हाइड्रेशन की बात करें, तो ये हाइड्रेशन कंप्लीट करता है विद इन 1 year, और अगर हम लॉन्ग रन में बात करें कितना टाइम लग जाता है, तो 1 year तक ऑलमोस्ट जितनी स्ट्रेंथ चाहिए वो हो जाती है। पर ये एक प्रोसेस है जिसमें 13, 14, 15 years लग जाते हैं। तो हाइड्रेशन इन अ ईयर एंड सो, तो बेसिकली जितनी स्ट्रेंथ इसकी इम्पार्ट कर सकता है, तो ये एक साल में मतलब हमें उतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है ऑलमोस्ट। तो ऐसे ये पता चलता है कि अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ, जब हमें मतलब स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिसमें अर्ली स्ट्रेंथ जिन स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना है, उसमें हम क्या करेंगे, C3S का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे उस सीमेंट में। और जहां पर हमें लॉन्ग रन में, मतलब जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जिस सीमेंट में चाहिए, तो बेसिकली ये किस तरीके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो हमारा अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर जिसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए होती है, या फिर जो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, हम वहां पर C2S का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डैम्स हो गए, है ना, डियर बैराजेस, हमारे ब्रिजेस हो गए, जो भी हमारे एक लॉन्ग रन में, जैसे हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गए, जैसे हमारे ब्रिजेस हो गए, तो ये क्या है, हमारा एक लॉन्ग रन टाइम पीरियड में बन रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, हमें एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए होती है और इसके लिए हम C2S का परसेंटेज इसमें वेराई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो ये जैसे अभी हमने C3S का प्रोसेस देखा था, उसी तरीके से C2S की अगर प्रोसेस देखते, तो ये भी हमारे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से, तो टॉबरमोलाइट हमारा फॉर्म करता है, जैसे कि अगर हम C2S की बात करते हैं, C2S हमारा वाटर के संग रिएक्ट करता है, तो हमारा ये CSH जेल जो हमने अभी देखा था, CHS जेल मतलब फॉर्म करता है, और उसके संग क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करता है, जिसमें हमने इसके एडवांटेजेस भी देखे थे कि एडवांटेजेस क्या है, ये पीएच को इंक्रीज कर देता है, तो ये क्या है, कोरोजन को डिक्रीज कर देता है, कोरोजन की जो चांसेस हैं, कोरोजन का जो चांसेस है उसको डिक्रीज कर देता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसका, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये लीच आउट हो जाता है, मतलब फ्लो हो जाता है, फ्लोइंग हो जाती है, तो फ्लोइंग हो जाती है तो पीछे ये पोरस हो जाता है, पोरस हो जाता है वॉइड्स को लीड करता है, वॉइड्स छोड़ देता है, जो कि बाद में हमारे सबसे ज्यादा क्रैक्स को लीड करते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारा, और इसमें भी ये टोबरमोलाइट जेल देखा जाता है जो कि बाइंडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी देखो CaOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या है कि कुछ इंग्रेडिएंट के संग कंबाइन होके जो रिएक्शन करके ये बेसिकली ये भी अनसाउंडनेस को करेगा। लेकिन इन कंपेयर टू C3S, C3S के कंपेयर में C2S का जो है रेजिस्टेंस केमिकल और एसिड के लिए वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से C3S रिएक्ट करता था, उसके कंपेरिजन में C2S कम अमाउंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस को फॉर्म करता है। इस वजह से ये है ना हमारा रेजिस्टेंस जो है, इस पॉइंट को हम नोट डाउन करना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस, ये सब C2S में चल रहा है, C2S जो है, C2S शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट
अटैक ऑफ केमिकल्स के अटैक और एसिड्स के अटैक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। तो अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात की जाए, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया या फिर जहां पर भी हमारा लॉन्ग रन में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम कौन सा किसके लिए गेम करेंगे? तो ये हमारा है बेसिकली डाई कैल्शियम सिलिकेट के लिए हम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हाइड्रेशन इन अ ईयर एंड सो के लिए है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S हो गया, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो C2S हो गया। वहीं पे हमने देखा था कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमारा कौन था, हार्मफुल इंग्रेडिएंट की बात करें तो C3A था, और जिसमें कोई भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी, सॉरी, जिसके लिए कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जिसमें नहीं थी, वो क्या था हमारा C4AF। तो आज हमने सारे बॉक्स कंपाउंड देख लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे सब।